आज सूर्य देव के कारण हमारे भक्त के सुहाग पर संकट आ गया है, किंतु हम हमारे भक्त पर किसी प्रकार का संकट नहीं आने देंगे। हम नर्मदा के सुहाग की रक्षा के लिए आज सूर्य को ही आच्छादित कर देंगे। कि मां नर्मदा के पापी पति को बचाने के लिए भगवान शिव ने संपूर्ण संसार के जीवन को संकट में क्यों डाला? विक्रम बेताल में कल देखिए। अपने स्वयंवर की वर्णमाला आपको पहनाकर आपसे विवाह किया है स्वामी मैंने। आप सबको नर्तकी चाहिए, मैं दूंगा आपको नर्तकी, ये आप सबका मनोरंजन करेगी। अभी राजन, देवी नर्मदा ने जो भी किया अपने भाग्य पर अंधविश्वास करके किया। अब देखना ये है कि अपने बिगड़े हुए भाग्य को अपने कर्म से ठीक कर पाती हैं या नहीं। विक्रम बेताल में कल देखिए। ले जाओ मेरी पत्नी को, इसी के कारण वैशाली ने मुझे ठुकराया। तूने एक ऋषि का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ, कल सूर्योदय होते ही तेरे जीवन का सूर्य सदा सदा के लिए अस्त हो जाएगा। मैं आपसे प्रार्थना करने आई हूँ, ऋषिवर आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। तुम अपने पति को लेकर यथाशीघ्र अमरकंटक की घाटियों में जाओ। अगर भगवान भोलेनाथ ने चाहा तो वही तुम्हारे पति के प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। क्या नर्मदा कर पाएंगी ऋषि के श्राप से कामेश्वर की रक्षा? विक्रम बेताल में कल देखिए। नर्मदा, लगता है महादेव ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करने कितना समय हो गया, किंतु सूर्योदय नहीं हुआ। हे महादेव, एक अधर्मी और कामंद मनुष्य के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड को अंधकार में डाल देना कहाँ तक उचित है? हम आपका संकेत समझ रहे हैं प्रभु, इसलिए अब हम सूर्य पर से हमारा आवरण हटाते हैं। विक्रम बेताल में अगले हफ्ते देखिए। हे कल्पवृक्ष, आप तो जानते हैं कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम कितने अपूर्ण हैं। हमारी वर्षों की मनोकामना को पूर्ण करें कल्पवृक्ष। देवी, हमें भय है कि आपकी ये इच्छा किसी बड़े संकट का कारण न बन जाए। स्वामी देखिए ना, इस कल्पवृक्ष से हमें क्या मिला है। शिवा, हमारी पुत्री और आपकी शिष्य काशी का जीवन संकट में है। उस असुर का अंत केवल ये बालक कर सकता है, इसलिए हम चाहते हैं ऋषिवर कि आप इस बालक को रात्रि भर में पूर्ण युवा कर दें। महादेव का प्रतिरूप बनार। हे महादेव, हर पिता विवाह के उपरांत अपनी पुत्री और जमाता को उपहार देते हैं। कहो बनार, हमसे क्या उपहार चाहते हो? मैं अपने और काशी के निवास के लिए आपका कैलाश चाहता हूँ। इस स्थान का संचालन करने के लिए त्रिकालदर्शी होना आवश्यक है, और त्रिकालदर्शी वही हो सकता है जिसके पास त्रिनेत्र हो। त्रिनेत्र कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? अघोर तंत्र की साधना। वत्स, त्रिनेत्र तुम्हें अवश्य प्रदान करेंगे, परंतु उसके पूर्व तुम्हें मेरे इस खप्पर को अपनी समस्त माया और संपत्ति से भरना होगा। खाली नहीं रहना चाहिए। संपूर्ण कैलाश सब आपके खप्पर में अर्पित करता हूँ। मेरा खप्पर अभी भी खाली है वत्स। यदि तुम्हारे पास देने के लिए और कुछ नहीं है तो तुम्हें अपने प्राणों का दान भी इस पात्र में करना होगा। तो राजन, इससे पहले कि मैं 32 पुतलियों की कथा आगे बढ़ाऊं, तो मेरा आज का प्रश्न सुन ले। संसार के गुणों और भावों की प्रतीक जिन पुतलियों को संसार के धर्म की रक्षा करनी थी, वही अधर्म के मार्ग पर चल पड़ी। इसलिए मैं तुम सबको श्राप देता हूं कि तुम्हारे मन के विकारों के समान ही तुम्हारा रूप भी क्रूप हो जाएगा। राजन, मेरा प्रश्न है कि ब्रह्मदेव के श्राप से उन 32 पुतलियों की मुक्ति किस प्रकार होगी? विक्रम बेताल में अगले हफ्ते देखिए। कैसे करती है रक्त मंजरी और स्वप्न सुंदरी दो लोकों पर विजय। यदि तुम्हें पाताल लोक कितना ही प्रिय है तो आप हमसे विवाह करके अपना संपूर्ण जीवन पाताल लोक में बिता सकते हैं। हमने प्रण लिया है, हम विवाह उसी से करेंगे जो हमें पराजित करे, हमें जीत ले। लेकिन हाँ, यदि आप हमसे पराजित हो गए तो आपको हमारी दास्यता स्वीकार करनी होगी। आपको क्या लगा ये संपूर्ण पृथ्वी आपको सौंप देंगे? हम इस पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट हैं देवी, कोई रूप हमें लुभा नहीं सकता, इसलिए हमें आपका नियम स्वीकार नहीं। तो अब बता राजन, ब्रह्मदेव के श्राप से इन पुतलियों की मुक्ति कैसे होगी? बेताल, आज हम अपना मुंह नहीं खोलेंगे, चाहे तुम जितना प्रयास कर लो। इस प्रेत घाटी में आज ये तुम्हारी अंतिम रात्रि है। कुछ भी हो जाए मुझे कोई प्रेत घाटी से नहीं ले जा सकता, मुझे वापस लौटना ही होगा। मैं उड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ? ये तूने क्या कर दिया विक्रम? छोड़ दे मुझे। मेरे 1100 वर्षों की प्रतीक्षा आज समाप्त होने वाली है। आज विक्रम बेताल को लेकर यहाँ आने वाला है। ध्यान से देख लो बेताल, ये वही है ना महाबली जिससे तुम मेरा अंत करवाने चले थे। मेरे साधारण से वार का ये सामना नहीं कर पाया। ये मेरा अंत करने चला था ना, अब मैं पहले इसका अंत करूंगा और उसके बाद अंत करूंगा तुम्हारा। अंधकार, आज भी उतना ही मूर्ख हो। हमारे ईश्वर होने का क्या अर्थ रह जाएगा जब संसार में विक्रमादित्य जैसा पराक्रमी राजा ही नहीं रहेगा। किस पे राज करोगे? इसे दिखाओगे अपना प्रभुत्व। छोड़ो इसे, मैं स्वयं अपनी इच्छा से तुम्हारे साथ चल रहा हूं। चलो भद्रता। यदि स्वेच्छा से कोई आत्मतत्व की प्राप्ति हो जाए तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है? तुम्हारे लिए, केवल तुम्हारे कहने पर तुम्हारे ये मित्र विक्रमादित्य को छोड़ देता हूं मैं। अब तुम फिर से मेरे ऋणी हो गए। सन्यासी, सन्यासी, ठहर जाइए, छोड़ दीजिए बेताल को। राजन, यदि कोई पराक्रम शेष बचा हो तो रोक लो अपने बेताल को। बेताल, रोको। मैं कुछ नहीं कर सकता विक्रम, मैं विवश हूं विक्रम। लेकिन मेरी बात सदैव याद रखना, जब सारे मार्ग बंद हो जाए तो कहानियां ही हमारा मार्गदर्शन करती है। तुम्हारी सारी समस्याओं का हल मेरी कहानियों में है विक्रम। यही है वो 32 पुतलियां जिनके बारे में बेताल हमें कथा सुनाई थी। प्रतीत होता है कोई बहुत बड़ी अदृश्य शक्ति है जो इनकी सुरक्षा कर रही है। हमें सर्वप्रथम इस सुरक्षा चक्र को भेदना होगा। क्या हो रहा है? कौन है संसार में जो उन पुतलियों तक पहुंच सकता है? तुम्हारा अंत निश्चित है भद्रकाल। मेरा अंत देखने के लिए तुम जीवित नहीं बचोगे बेताल। सत्य जानने पश्चात श्री कृष्ण की हत्या करने पर आतुर कंस वृंदावन के सभी मार्ग मोड़ता है अपने ही महल की ओर। अब तो कुछ भी कर ले भांजी, संसार के किसी भी मार्ग से प्रयास कर ले, पहुँचेगा तू मथुरा ही, अपने मामा के पास। अब ये तेरे जीवन की अंतिम यात्रा होगी। और इससे अनभिज्ञ कृष्ण चलने लगते हैं कंस के माया मार्ग पर। मोटी बा सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करना चाहती है। वही तो हम कह रहे हैं मापू, कि खलनायिका आंटी ने जबरदस्ती बड़ी माँ के अंगूठे के निशान एक कागज पर लिए। तुम्हारा सच सामने आ चुका है गुनिका। मोटी बा, क्या आप जानती है कंपनी अपने नाम कराने के लिए इसने धोखे से आपके अंगूठे का निशान ले लिया था पेपर पे। आपका प्यार पाने के लिए वो चित्रा भाभी बनने की कोशिश कर रही है। तुम मेरी डायरी क्यों पढ़ रही है? इस डायरी को पढ़ के खुद को बदलने की प्रेरणा मिलती है मुझे। तेरी अर्धांगिनी बनने के लिए मुझे एक नई वैदेही बनना पड़ेगा जिससे तू प्यार कर सके। वैदेही के जख्म बहुत गहरे हैं और इन्हें मैं नहीं भर सकता, लेकिन अब मुझे सिर्फ इसका एक ही हल नजर आ रहा है कि मैं वैदेही से और उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊँ। हमारे बहू और बेटा हमें जहर देके मारना चाह रहे। जी आवाज तो ससुर अम्मा जैसी लग रही। हेलो, कटोरी अम्मा बोल रही का? तुम्हें कैसे पता चला? अरे अम्मा हम बोल रहे हप्पू, तुमने इतने फोन लगा दो हमारे पास। हेलो हेलो अम्मा। कौन अम्मा? हम तो शीला बोल रहे हैं। शर्म नहीं आती? शादीशुदा होके नौनौटिया होके पराई औरतों को परेशान कर रहे हो। कमिश्नर साहब, हप्पू सिंह जी अचानक कैसे? एक तो हमारे पुलिस स्टेशन में रायता फैलाते हो और ऊपर से पूछते हम यहाँ पे कैसे? लेकिन जानबूझकर रायता थोड़ी ना फैलाए हैं सर। अरे लेकिन फैलाओ तो है ना। हप्पू सिंह बातें मत करो, अरेस्ट करो से लेके चलो। ओके चलो चलो चलो। इसमें ना हप्पू सिंह का दोष है ना हमारा कोई दोष है। तो दोष किसका है? ये सारी गंदगी विभूति जी की फैलाई है। हप्पू सिंह, इस विभूति नारायण के नाम का वारंट जारी करो। ओके सर।